नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में बजट से जुड़ी खबर जो होंगी, जिस पर आपको बता दें कि आज बजट पेश हुआ है। ऐसे में किसानों को लेकर अगर कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो कई तरह के ऐलान किए गए हैं। हालांकि कई किसान ऐसे हैं जिस तरीके से उनकी नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। इस बीच राकेश टिकैत का भी बड़ा बयान सामने आया है, वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का भी बयान आया है और कई ऐसी खबरें जुड़ी हैं कि बजट से जुड़ी हुई, जहां पर एक के बाद एक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को संसद में पेश किया। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रा स्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा खड़ा हुआ। अब बात करते हैं कि आखिर खेती से जुड़ी चीजों को लेकर क्या क्या ऐलान किए गए हैं। तो बता दें कि खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ यानी कि 1.52 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1,47,000 करोड़ रुपए का बजट रखा था। योजना की सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने 3 सालों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लागू करने में सहायता करेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल से खरीफ फसलों का 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीन के ब्यौरे को किसान और जमीन की रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। दलहन और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और मार्केटिंग को मजबूत बनाएगी। आज संसद में केंद्रीय बजट 24-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति बनाई जा रही है, जैसे कि अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी। अब ये भी जान लेते हैं कि क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई। तो बता दें कि कैंसर के ट्रीटमेंट से जुड़ी 3 और दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 0। मोबाइल फोन, उससे जुड़े उपकरण और चार्जरों पर कस्टम ड्यूटी घटी है। एक्सरे ट्यूब पर छूट मिली है। मोबाइल फोन चार्जर पर ड्यूटी 15% कम हुई। 25 जरूरी खनिजों पर ड्यूटी 0 की गई। फिश फीड पर ड्यूटी घटी है। देश में बनने वाले चमड़े, कपड़ा और जूते सस्ते होंगे। बड़ी बात, सोना चांदी पर 6% कम ड्यूटी। प्लेटिनम पर 6.4% ड्यूटी घटी। प्लास्टिक सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पेट्रोकेमिकल, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25% का इजाफा। हवाई सफर महंगा, वहीं सिगरेट भी महंगी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने मोटा मोटी जाना कि क्या क्या चीजें सस्ती हुई, क्या क्या चीजें महंगी, किस किस पर सरकार ने क्या रियायत दी, अब बात कर लेते हैं उन प्रतिक्रियाओं की, जहां पर किसानों, खासतौर पर खेती किसानी से जुड़ी कई चीजों पर यह कहा जा रहा था कि सरकार उस पर रियायत देगी, किसानों के हित में फैसला लेगी। लेकिन इसके इतर तस्वीरें देखने को मिली है, जिस पर आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, वहां पर आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर क्या क्या चीजें इस बजट में देखने को मिली है। खेती और किसानी के लिए किए हैं कई बड़े ऐलान। बजट की शुरुआत में ही उन्होंने गिनाई सरकार की प्राथमिकता, कहा किसानों के लिए काम कर रही है सरकार। वित्त मंत्री ने खेती किसानी के सामने आ रही चुनौतियों का भी रखा ध्यान। देखें और सुने कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौती किसानों के सामने है, उसे लेकर वित्त मंत्री ने बजट में क्या क्या योजनाएं और क्या क्या ऐलान किए हैं। Our journey towards the goal of Viksit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review
of the research agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oil seeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oil seeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth-based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial. खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर का। तो बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का 7वां बजट पेश किया। संसद में सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किए, जिसका इंतजार देश की जनता को बेसब्री से था। वहीं इस बजट को लेकर देश में चर्चाएं तेज हो गई। विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा, बयानबाजी की जा रही। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बजट को गलत साबित किया है। लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ कंपनी कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। यह आएगा उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका यह देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को भी लगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो, एग्रीकल्चर ग्रामीण उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है।
आपने उसके लिए क्या सुविधा करी? जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं माताएं हैं, वे भूमिहीन है, उनके पास में जमीन भी नहीं है, लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है, उसके लिए क्या किया बजट में? 20 रुपये किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालात तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा आपने? हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पर काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है, आप वो करो ना गांव में भी। बढ़ावा मैं बता दो कि कोई ना कोई एनजीओ कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी और वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी। वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गेरो, ये गेरो, ये तो किसान कर ही रहा। आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसके अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। हमने तो कहा कि डिजिटल बढ़ाओ ना, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो, हमारा गन्ने का भुगतान दूसरी भुगतान भी आप डिजिटल से कर दो। कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटल से दोगे किसानों को? भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना आप उसी से, डिजिटल से ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो एक साल में आती है, आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में 8 महीने में। अभी कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो गन्ने का है वो नवंबर और दिसंबर का हुआ। अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे? आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं हम। ये जो सेक्टर में पैसे देने की बात करी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा और वो कहाँ लग रहा। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई MSP गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए, क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है? नुकसान की कोई भरपाई हो रही है? वो नहीं हो पा रही है। नई किस्में लेकर आ रही, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है, लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होनी चाहिए, GM सीड उसमें नहीं होने चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है, जो रिसर्च सेंटर है, क्या उसको फंड लोकेट किया है? उस पर कितना फंड जाएगा? उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्म लेके यहाँ पाएंगे? क्या वे हार्मफुल तो नहीं है? क्या वे मानव शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको करना पड़ेगा। तो सुना आपने राकेश टिकैत की किस तरीके से नाराजगी साफ तौर पर नजर आई है। अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि बजट को लेकर जब किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर का भी एक वीडियो निकलकर सामने आया है, सुनाते हैं क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से कहा जा रहा है, मैडम सीतारमन जी ने ये 11वीं बार ऐतिहासिक बजट पेश किया है। एक इतिहास तो यह है, दूसरा इतिहास ये है कि देश के किसान मजदूर को भी 11वीं बार इग्नोर करने का इतिहास है मोदी सरकार का। इस बार बजट में 1.52 लाख करोड़ की रकम रखी गई है, ये कुल बजट का 3% भी नहीं बनता है। हमारी आबादी 70% है देश के किसान और खेत मजदूर की, और उस बजट में रख के बोल रहे हैं एनवायरनमेंट के अनुसार बीजों की खोज भी होगी, ग्रामीण विकास भी होगा, और कुदरती खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी इसी में से करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर खेती सेक्टर जो इतना बड़ा था उसको इग्नोर किया गया। इस बजट में
ना तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कुछ बजट में है, किसान खेत मजदूर को कर्ज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है, इसी के साथ साथ मजदूरों को रोजगार देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, और खेती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया जो इस बजट में हम लोग मुंडली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो ये नकारात्मक बजट है, दिशाहीन बजट है, इसमें कोई भी खेती सेक्टर के लिए विजन नहीं है और खेती सेक्टर के विकास के लिए कोई योजना भी अब नहीं बची है। जो युवाओं के रोजगार की बात हमने सुनी है तो भाई प्राइवेट कॉरपोरेट के कौन सा रोजगार युवाओं को देगा, सरकारी तो कुछ आप देने वाले नहीं है। तो इसलिए ये बजट आज का निराशा वाला बजट हम समझते हैं। धन्यवाद। मैं सरवण सिंह पंदेर, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब से। कहा जा रहा है भी मैडम सीतारमण जी ने ये 11वीं बार ऐतिहासिक बजट पेश किया है। एक इतिहास तो यह है, दूसरा इतिहास ये है कि देश के किसान मजदूर को भी 11वीं बार इग्नोर करने का इतिहास है मोदी सरकार का। इस बार बजट में 1.52 लाख करोड़ की रकम रखी गई है, ये कुल बजट का 3% भी नहीं बनता है। हमारी आबादी 70% है देश के किसान और खेत मजदूर की, और उस बजट में रख के बोल रहे हैं एनवायरमेंट के अनुसार बीजों की खोज भी होगी, ग्रामीण विकास भी होगा और कुदरती खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी इसी में से करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर खेती सेक्टर जो इतना बड़ा था उसको इग्नोर किया गया। इस बजट में ना तो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कुछ बजट में है, किसान खेत मजदूर को कर्ज माफी के लिए कुछ भी इसमें नहीं है, इसी के साथ साथ मजदूरों को रोजगार देने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, और खेती को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया जो इस बजट में हम लोग मुंडली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो जिस तरीके से किसान नेता सरवण सिंह पढेर ने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, दिशाहीन ये बजट है, किसानों को ध्यान में नहीं रखा गया, और जिस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून की मांग उनके द्वारा की जा रही थी इस पर कोई बातचीत नहीं, वहीं आपको बता दें कि ऐसे में उनका जो कहना था कि दिशाहीन ये बजट है, देखना ये होगा कि आखिर किसानों का अगला कदम क्या होता है। जिस तरीके से किसानों का लगभग 160 दिनों से आंदोलन जारी है, उसके बाद अब किसानों का अगला स्टेप क्या होगा, जिस तरीके से दिल्ली कूच करने को लेकर, दिल्ली में आंदोलन करने को लेकर किसान डे वन से ही अड़िग थे। अब इस बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका बजट को लेकर। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री
माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आखिर में देश भर के मौसम को लेकर। लगातार बदलाव जारी है, लेकिन इस बीच उमस भरी गर्मी अभी भी लोगों को परेशान कर रही है, खास करके दिल्ली एनसीआर में। लगातार आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के दरमियान बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। अगले 3 दिनों के लिए गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि अगले 3 दिनों के दौरान भारत गंगा के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि 24 जुलाई के दौरान गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं 25 से लेकर 26 जुलाई को गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने इन जगहों पर, इन राज्यों के लिए कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया है तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि ये कहना है कि भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं दिल्ली में भी मौसम का मिजाज बदल सकता है, कभी धूप तो कभी बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। वहीं आज बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई थी, कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं यूपी की बात की जाए तो यूपी मानसून ब्रेक के बाद यूपी का मौसम एक बार फिर से कूल हो गया है। अगले कुछ घंटों में कई जिलों में बादल छाए रहने की और साथ ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं बरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद समेत कई ऐसे जगह हैं जहां बारिश हो सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश रविवार को हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। ऐसे में अगले 24 घंटे में थोड़ा मौसम में तब्दीली होने की उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।